गुरुग्राम के सोहना विधानसभा में सतवीर पहलवान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना को समर्थन दिया और भरोसा दिलाया है कि वो अब रोहतास खटाना के कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए वोट मांगेंगे, साथ ही कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। रोहतास खटाना ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि जो सम्मान राष्ट्रवाद उन्हें मिल रहा है वो उसे सोहना का विकास करके ब्याज समेत वापस लौटाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना ने कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी के नेताओं ने केवल अपना विकास किया, वो सोहना का विकास नहीं कर पाए और यही वजह है कि शहर में तमाम समस्याएं व्याप्त हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि सोहना में किसी राष्ट्रीय पार्टी ने पहली बार किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया है, इस टिकट को सभी अपना सम्मान माने। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें जिससे सोहना का विकास हो पाए। तो सतवीर की हालत बुरी, आप ताड़ू में चले जाओ, सेम हालत ताड़ू की है, वहां भी आज तक सेक्रेटरी नहीं है और पिछले कई साल से यहाँ की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो आज के कैंडिडेट हैं, ये मैं इस बात की नहीं मानता, सरकार में अगर किसी का सरकार का वर्कर भी है ना तो वो भी मुख्यमंत्री तक बड़ी बात पहुंचा सकता है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है या उनके एक्स विधायक है, जो चुनाव लड़ना चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता। आज मुख्यमंत्री को ये तड़की दूसरा बदल दिया, इसका मतलब थोड़ी है दूसरा चेहरा लगाते हैं तो सारे काम हो गए। पिछली बार कोई विधायक था, दूसरा विधायक बदल दिया, इससे तो ये काम हो गए। सोना की दुर्दशा के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। साथियों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे साथी सारे सीनियर साथी हैं जो बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाई भाई रोहतास जी को आप विधायक बनाओ, आप रोहतास जी को विधायक बनाओ, आपके विकास भी होगा, आपका काम भी होगा और आपका मान सम्मान भी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इस हलके के मान सम्मान की। हमें सबसे पहले अपने अपने गांव में उन बरादरी के जो 36 बरादरी के लोग रहते हैं उन सबसे अगवाई, हम लोग सब गांव में इकट्ठे रहते हैं, हमें एक मुश्त होकर एकजुट होकर हमने एक फैसला लिया है, हमें एक बरादरी के सम्मान के लिए, इस इलाके के सम्मान के लिए हमने एकजुट होना है और भाई रोहतास की तरफ हमें उनका रुख कराना है और उसे वोट भी डलवानी है। कोई बात दाएं बाएं नहीं लग जाए, उनमें आप कोताही मत करना। नौजवान साथी, पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी भारी संख्या में समर्थन किया और अपना एक भी समय था, यही कहना चाहूँगा इतने भी सारे मौजूद लोग थे तो ऐसा हकार नहीं है, सारे रोहतास मिलकर 15 दिन हो गए थे और 4 साल 14 तारीख को मिले।